आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 500 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई है। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 109,011 पहुंच गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 236 कोरोना मरीज मिले, हरिद्वार में 149, नैनीताल में 49, ऊधमसिंह नगर में 22, पौड़ी में 14, टिहरी में 11, अल्मोड़ा में 5, पिथौरागढ़ में 5, बागेश्वर में 4, रुद्रप्रयाग में 2, तरकासी, चमोली, चंपावत जिले में 1-1 संक्रमित मिला। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में एक, कैलाश हॉस्पिटल में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। अब तक 1,719 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। यू टर्न छोटी बचत फैसलों पर ब्याज दरों में कटौती का फैसला, 24 घंटे में ही वापस। तो छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती का फैसला केंद्र सरकार ने 24 घंटे के अंदर ही बृहस्पतिवार सुबह वापस ले लिया। अब बैंकों व डाकघरों में जमा रकम पर पुरानी दर से ही ब्याज मिलता रहेगा। गंगा पूजन के साथ कुंभ विधिवत शुभारंभ, पहले दिन ही उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। तो कोटि कोटि हिंदुओं की सनातन आस्था के प्रतीक महाकुंभ का बृहस्पतिवार को विधिवत शुभारंभ हो गया। कोरोना महामारी जैसी असाधारण परिस्थितियों में हो रहे कुंभ के सफल आयोजन के लिए मेला अधिकारी दीपक रावत और आईजी मेला संजय गुंजियाल ने हर की पेड़ी पर मां गंगा, 9 ग्रहों एवं अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। शाही स्नान में परिवहन निगम चलाएगा 500 बसें। तो कुंभ मेले की विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज 500 बसें चलाएगा। 6 महीने बाद फिर मरीज 72,000 पार। प्रदेश में अवकाश के दिन भी लगेगा टीका। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अप्रैल में छुट्टियों वाले दिनों में भी टीका लगाया जाएगा। संक्रमण की दूसरी लहर जानलेवा भी बनती जा रही है। एक दिन में देश में 459 मरीजों की मौत हुई, यह 5 दिसंबर के बाद सर्वाधिक है। साथ ही 6 महीने में पहली बार 72,330 नए मामले सामने आए हैं। आस्था व सद्भावना के प्रतीक श्री झंडे जी का आरोहण आज। तो प्रेम, सद्भावना और आस्था के प्रतीक श्री झंडे जी का शुक्रवार को भव्य आरोहण किया जाएगा। इसके साथ ही झंडे जी मेला शुरू होगा। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार श्री दरबार साहिब और श्री झंडे जी मेला प्रबंधन कमेटी ने मेला 2 दिन तक ही सीमित रखने का फैसला लिया है। रविवार को नगर परिक्रमा के बाद धार्मिक मेला सम्पन्न हो जाएगा। 45 साल से ऊपर वाले 13,000 को लगा टीका। तो कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण का चौथा चरण बृहस्पतिवार को से शुरू हो गया। पहले दिन 45 साल से ऊपर वाले 13,000 लोगों को टीका लगाया गया। प्रदेश भर में 529 केंद्रों पर कोविड टीका लगाया गया। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तिथि बदले। तो बेरोजगारों ने सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा तिथि बदलने की मांग की है। इसके तहत उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा को ज्ञापन सौंपा। बताया कि लोक सेवा आयोग ने 21 मार्च को प्रवक्ता परीक्षा आयोजित की, अब सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 25 अप्रैल को प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ सेवा आयोग को 1 माह पूर्व TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया था। कैबिनेट के फैसले के बाद कला वर्ग के छात्राओं को 1 माह पूर्व ही आवेदन का मौका मिला है। इन दोनों परीक्षा का पाठ्यक्रम अलग है, इसलिए सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए बेरोजगार को एक और मौका देना चाहिए। 25 अप्रैल को प्रस्तावित LT शिक्षक भर्ती परीक्षा, कोरोना की रफ्तार पर नजर। तो उत्तराखंड अधिसेव चयन आयोग UK त्रिपलसी की ओर से आगामी 25 अप्रैल को प्रदेश में सहायक अध्यापक LT के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाना है। लेकिन जिस तरह से देश के अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए आयोग परीक्षा की तिथि में कुछ बदलाव कर सकता है। LT में जो 16 विषय हैं उन सब में मिला के लगभग 50,000 बच्चों ने एप्लीकेशन दी है, जो हमने दोबारा खोला था उसको मिला के। और हमने ऑलरेडी अपने वेबसाइट पर यह संवाद पृष्ठ में डाल दिया है कि 25 अप्रैल को यह एग्जाम प्रस्तावित है। इस बीच अगर कोरोना की गाइडलाइंस ऐसी आती हैं कि ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद होता है, उन्हीं परिस्थितियों में ये पोस्टपोन होगा। शिक्षा सचिव व्यक्तिगत रूप से पेश हों। तो हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी अंतिम तिथि को नहीं बढ़ाने के मामले में गंभीरता से लेते हुए शिक्षा सचिव को सोमवार 5 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पौड़ी गढ़वाल के समाजसेवी अनु पंत ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि जुलाई 2020 में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते वह जनवरी 2021 में हो गया। इसके बाद परीक्षा के नतीजे फरवरी 2021 में घोषित हुए, लेकिन इस बीच राज्य सरकार की ओर से दिसंबर और जनवरी 2021 में 10 जिलों में 2248 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। याचिका में कहा कि जबकि सीटेट प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिसंबर 2020 व जनवरी 2021 में ही रख दी, इस वजह से जिन अभ्यर्थियों के नतीजे फरवरी 2021 में आए वह आवेदन से वंचित रह गए। सरकार की ओर से कहा गया कि 2021 फरवरी में आए सीटेट परिणामों के संबंध में शिथिलता नहीं दी जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में हाई कोर्ट ने समाजसेवी रविंद्र जुगरान की जनहित याचिका पर कोर्ट के आदेश प्रशासन ने असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड के आवेदकों को राहत देते हुए सीटेट सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दिया था। तो इस प्रकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ये कहा जा रहा है कि जो सीटेट अभ्यर्थी जिन्होंने अभी सीटेट पास किया है उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर शामिल किया जाए। वही खबर है, झूलाघाट से नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने का प्रयास। तो झूलाघाट क्षेत्र में एक युवक ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। आरोपी पीड़िता के गांव के निकट दूसरे गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वही खबर है, जसपुर में चाकू के हमले से घायल गर्भवती की मौत। तो चाकू के हमले में घायल गर्भवती महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। हल्द्वानी निवासी अभियंता की बागेश्वर में मौत। तो जल निगम में सहायक अभियंता हेमचंद्र बेलवाल 51 वर्ष की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। चमोली के जंगल की आग से जली महिला की मौत हो गई। तो जंगल में लगी आग को बुझाते समय पंती गांव निवासी एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कर्मकार बोर्ड की सचिव दीप्ति सिंह को हटाया। तो पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार में चर्चाओं में रही उत्तराखंड भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव पद से दीप्ति सिंह को हटा दिया गया है। 65 उपनल कर्मियों को बहाल न किया तो 5 से कार्य बहिष्कार। तो समान काम के लिए समान वेतन और विनियमितीकरण की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारी बृहस्पतिवार को आक्रोशित नजर आए। दोबारा संक्रमित होने वाले लोगों में 79% युवा। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एवं जॉन हॉपकिंग विश्वविद्यालय ने एक शोध में पाया कि भारत में कोरोना रोगियों में दोबारा संक्रमण के सबसे ज़्यादा 79% मामले 20 से 40 आयु वर्ग के लोगों में देखे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती। तो मुख्यमंत्री नरसिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग में खाली चल रहे पदों पर 75 दिन के भीतर भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसी अवधि के दौरान सभी संवर्गों की नियमावली तैयार करने को कहा है। विभागों को ऑनलाइन सूचना देने के निर्देश। तो सरकार ने राज्य के सभी विभागों को विभागीय सूचनाएँ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मानसून में पिथौरागढ़ गोचर में रहेगा हेलीकॉप्टर। तो मानसून सीजन के दौरान आपदा राहत और बचाव कार्यों के लिए 2 हेलीकॉप्टर हर वक्त तैयार रहेंगे। गढ़वाल मंडल के लिए हेलीकॉप्टर गोचर और कुमाऊं मंडल के लिए पिथौरागढ़ में हेलीकॉप्टर रखा जाएगा। 15 मई से 30 सितंबर तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। घाट सड़क चौड़ीकरण को बजट मंजूर। तो सरकार ने नंदप्रयाग घाट सड़क चौड़ीकरण के लिए बजट मंजूर कर दिया है। अशासकीय डिग्री कॉलेज शिक्षकों का एरियर जारी। तो राज्य के अशासकीय डिग्री कॉलेज के शिक्षक कर्मियों के 2 साल से लटके एरियर का भुगतान कर दिया गया है। गुरुवार को सरकार ने इसका जीओ जारी कर दिया। इसके साथ ही डीएबी डीबीएस एवं एसजीआरआर पीजी कॉलेज के कर्मियों का दिसंबर माह का वेतन सशर्त जारी किया है। कुंभ के मेला अवसर पर साधुओं का हमला।
तो कुंभ मेले के पहले दिन ही इंतजामों की कमान संभाल रहे दूसरे नंबर के अफसर पर एक अखाड़े के कुछ साधुओं ने हमला कर दिया। अफसर को बचाने आए उनके गार्ड की बुरी तरह पिटाई कर दी। घायल गार्ड को अस्पताल ले जाना पड़ा। अफसर के चेहरे पर चोट है और उन्हें अखाड़े से आईजी संजय गुंजियाल ने खुद जाकर निकाला। हालांकि इस मामले में देर रात तक FIR दर्ज नहीं हुई। रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को कहा कि 70 वर्षीय अभिनेता को 3 मई को अवार्ड दिया जाएगा। बिना कोरोना रिपोर्ट वाले यात्री बॉर्डर से लौटाए गए। तो कुंभ मेले के कारण राज्यों में कोविड की सख्त गाइडलाइन लागू हो गई है। बाहरी राज्यों से आने वालों की सख्त जांच पड़ताल हो रही है। कोविड की निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही राज्य की सीमा के भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। रिपोर्ट ना होने पर लोगों को लौटाया जा रहा है, जाँच भी की जा रही है। ऐसे में इस सख्ती का सीधा असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ रहा है। नैनीताल मसूरी समेत तमाम दूसरे स्थानों पर आने वाले पर्यटकों को भी वापस लौटना पड़ रहा है। देहरादून में बढ़ती संक्रमण दर ने बढ़ाई चिंता। तो दून मेडिकल कॉलेज की VRDL लैब में कोरोना और RT-PCR जांच की रिपोर्ट के आंकड़े चिंताजनक हैं। देहरादून में एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण की दर 10% ऊपर है। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ CM दफ्तर पर प्रदर्शन। तो आम आदमी सेना से जुड़ी महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मिस उत्तराखंड रही मेदिका ने रचाई शादी। तो दून की डॉक्टर मेदिका प्रिया सिंगल बीते सोमवार को न्यूजीलैंड में आयोजित विवाह समारोह में अप्रवासी भारतीय वरुण ओबराय के साथ विवाह के बंधन में बंध गई। दून मसूरी रोड पर कार गिरी, 2 युवकों की मौत। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर के दूसरी सड़क पर जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही मसूरी से खबर आई है, 2 स्कूटर सवार बार बार बचे। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी बैंड के पास जिस समय हादसा हुआ उस समय देहरादून से मसूरी आ रहे 2 स्कूटर सवार बाल बाल बच गए। उक्त घटना पास की दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। भाई की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। देहरादून से खबर आई, होलिका दहन की रात छोटे भाई के सिर पर बेलचा मारकर मौत की घाट उतारने के आरोपी बड़े भाई को रायपुर पुलिस थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाले पर अतिक्रमण को लेकर विवाद, 2 पर केस दर्ज किया गया। मेला इलाके में ट्रैफिक डाइवर्ट। तो झंडा रोहण के चलते झंडे जी मेला इलाके में आज ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। 4, 5 और 6 को बारिश के आसार। तो प्रदेश में 4, 5 और 6 अप्रैल को पर्वतीय हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 6 अप्रैल के बाद बारिश में वृद्धि की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में कुछ परिवर्तन दिख रहा है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिलों में 4 अप्रैल को गर्जन के साथ हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। चंबा में 440 मीटर सुरंग बनकर तैयार। तो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल चारधाम ऑल वेदर सड़क परियोजना के तहत ऋषिकेश उत्तरकाशी हाईवे पर 440 मीटर सुरंग बनकर तैयार हो गया है। DLED प्रशिक्षित 5 को करेंगे प्रदर्शन। तो प्राथमिक शिक्षक संवर्ग की भर्ती जल्द संपन्न न किए जाने व 2021-23 के लिए पुनः DLED का बैच प्रारंभ करने पर पूर्व DLED प्रशिक्षितों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने 5 अप्रैल को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय एवं निदेशालय परिसर में विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही सांकेतिक धरना देने का ऐलान किया है। रुद्रप्रयाग से खबर है, रुद्रप्रयाग पुलिस ने 7 लाख की शराब पकड़ी। तो पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल के निर्देशों पर जिले में अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। वहीं उत्तरकाशी से खबर है, उत्तरकाशी में 1.5 किलो चरस के साथ 2 को गिरफ्तार किया है। तो 2.25 लाख रुपए आंकी गई है चरस की कीमत। तोता घाटी से हाईवे पर आवाजाही आज से। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे स्थित तोता घाटी 2 अप्रैल से पूरी तरह से वाहनों की आवाजाही के लिए खुल जाएगा। ऋषिकेश और श्रीनगर के सभी वाहन हाईवे से होकर जाएंगे।
पुरोला में अलग अलग जिले को लेकर के प्रदर्शन। तो पुरोला में रवाई घाटी को पृथक जनपद बनाने की वर्षों पुरानी मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। गुरुवार को स्थानीय ग्रामीणों ने जुलूस प्रदर्शन कर तहसील प्रांगण में सांकेतिक धरना दिया। वहीं खबर है कोटद्वार से, एसडीएम संक्रमित, कोटद्वार तहसील बंद। तो वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तहसील को 48 घंटे के लिए बंद करा दिया गया। तो कोटद्वार एसडीएम का कार्यभार संभाल रही अपर्णा डोंडियाल को कोरोना संक्रमण हो गया है। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर तहसील को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी गई थी। बीते 30 मार्च को कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया था। अल्मोड़ा आने वाले यात्रियों की लोधिया में जांच शुरू। तो पहले दिन प्रवेश पर व्यवस्थाओं में दिखी कई खामियां। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। रानीखेत के इड़ा गांव तक पहुंची वनों की आग। तो गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में आग बढ़ती जा रही है। गुरुवार को अपहरण सुदूर नौगांव इड़ा के पास जंगल की आग आबादी तक पहुंच गई। वहीं खबर यह, रानीखेत से तिमला में दुकानदार पर झपटा गुलदार, जख्मी। तो तहसील के तिमला गांव लौट रहे दुकानदार पर गुलदार ने हमला बोल दिया। फुटबॉल में रानीखेत और अल्मोड़ा जीते। तो पिथौरागढ़ में शोभन सिंह जिन्ना फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। अवैध शराब के विरोध में उतरी महिलाएं। तो पुलिस से शराब के अवैध धंधे में लिप्त लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। कुंभ में किसी के आने पर रोक नहीं, पर कोविड संबंधी नियमों का पालन जरूरी। तो हरिद्वार में कुंभ के आयोजन को लेकर के प्रदेश सरकार ने फिर साफ किया कि कुंभ में कोई भी बेरोक टोक आ सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह भी जोड़ा कि कुंभ में केंद्र सरकार की कोविड 19 संबंधी दिशा निर्देशों का पूरा पालन कराया जाएगा। महाकुंभ में मास्क न, शारीरिक दूरी, लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए। तो कोविड 19 के साय में बृहस्पतिवार से महाकुंभ शुरू हो गया। मेले के पहले दिन हर की पैड़ी समेत अधिकतर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कोविड से बचाव की मानक संचालक प्रक्रिया को नज़रअंदाज कर श्रद्धालु घाटों पर बिना मास्क पहनते घूमते दिखे। श्रीनगर से खबर आई, आग लगाने पर दो महिलाओं पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दूसरी लहर प्रचंड हुई, फिर भी जांच में कंजूसी। तो केंद्र के बार बार हिदायत के बावजूद 80% प्रदेशों ने नहीं बढ़ाई टेस्ट की संख्या। 14 अप्रैल से पहले जारी होगा परिणाम। तो कक्षा पहली से नौवीं और ग्यारहवीं का परिणाम 14 अप्रैल से पहले जारी कर दिया जाएगा। देहरादून में पहले दिन 10,389 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। ट्रेनों से पहुंचे 29 यात्री कोरोना संक्रमित निकले हैं। तो बृहस्पतिवार को रेलवे स्टेशन पर 29 यात्री कोरोना संक्रमित मिले। रेलवे स्टेशन पर तैनात टीमें दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच कर रही हैं। डंट एयरपोर्ट पर बढ़ रही है उड़ानों की संख्या। तो गो एयर कंपनी 9 अप्रैल से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान शुरू करेगी। वही खबर है, देहरादून से श्रम कानून की प्रतियां फूंक, जताया विरोध। तो ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी बोले, श्रम कानूनों को समाप्त कर मजदूरों को बर्बाद करना चाह रही है सरकार। जम्मू कश्मीर के छात्रों ने मांगी सुरक्षा। तो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के छात्रों के खिलाफ फैलाई जा रही नकारात्मकता को लेकर अपनी बात रखी और कश्मीरी छात्रों के साथ लगातार इंटरेक्शन प्रोग्राम करने की मांग की है। कर्णप्रयाग से खबर आई है, भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शिविर के लिए 35 युवाओं का चयन हुआ। तो शिविर के चयन प्रक्रिया में युवाओं की शारीरिक दक्षता नापते आयोजक। इग्नू में प्रवेश की तिथि 15 तक बढ़ी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जनवरी 2021 सत्र में नए एडमिशन के लिए आवेदन की तिथि 15 अप्रैल तक बढ़ा दी है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो डीईओ के पद रिक्त, जल्द करें आवेदन। तो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में 310 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अप्रैल है।
सीनियर रेजिडेंट पदों पर साक्षात्कार, तो चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में 31 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से ही पद भरे जाएंगे। तो 6 अप्रैल को साक्षात्कार होगा। पीजीटी व अन्य टीचिंग स्टाफ के पद खाली, तो 3479 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी के पदों पर भर्ती है। तो इसके लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इन जगह पर ये भर्ती निकली हुई है तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल रखी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट एसोसिएटेड सहित विभिन्न रिक्तियां, तो 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान में। तो इसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ही पद भरे जाएंगे। तो आवेदन जो है वो 7 अप्रैल तक कर सकते हैं, वहीं साक्षात्कार 12 अप्रैल को होगा। पर्यटन संभावनाओं को साकार करने में जुटी है सरकार, त्रिवेंद्र। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार पहाड़ में पर्यटन की संभावनाओं को साकार करने में जुटी हुई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो महाकुंभ में मास्क न, शारीरिक दूरी, लापरवाही, कहीं भारी न पड़ जाए। वहीं खबर यह है, निगेटिव रिपोर्ट वाले यात्रियों को ही ट्रेनों में बैठाया जाए। तो गढ़वाल मंडलायुक्त रविनाथ रमन ने बृहस्पतिवार को महाकुंभ मेले के दौरान हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के साथ ही कोविड से बचाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लाहौरपुर और चिड़ियापुर सीमा पर लिए गए 2298 यात्रियों के सैंपल। वही खबर है हरिद्वार से, 13,000 यात्रियों की हुई जांच, 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उत्साह के साथ पहुंचे लोग, करना पड़ा घंटों इंतजार, तो टीकाकरण केंद्रों पर स्टाफ कम और टीका लगवाने वालों की संख्या बढ़ गई। वही खबर है, नारसंग में हादसे में कार चालक समेत 5 लोग घायल हो गए। तो गंगा स्नान के लिए जा रहे यात्रियों की कार में अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दी, दुर्घटना में कार चालक समेत 5 लोग घायल हो गए। वही खबर है, रोशनाबाद से चोरी के मामले में 3 को कारावास। तो यात्रियों का सामान और नकदी चोरी करने के मामले में सुनवाई की गई। तो यात्रियों का सामान और नकदी चोरी करने के मामले में द्वितीय अपर जिला जज सहदेव सिंह ने 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपहरण कर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म। तो लक्सर से खबर आई है, कोतवाली क्षेत्र में एक गांव से बुधवार रात 2 युवक घर में सो रही किशोरी को उठा ले गए। युवक किशोरी को एक गन्ने के खेत में ले गए और बारी बारी से दुष्कर्म किया। किशोरी के बेहोश होने पर युवक भाग गए। सुबह होने पर परिजनों ने तलाश करने पर किशोरी गन्ने के खेत में मिली। बेहोश आने पर किशोरी ने परिजनों को आपबीती बताई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बात करते हल्द्वानी की खबरों की, तो हल्द्वानी से नैनीताल तक पर्यटकों की कोरोना जांच। तो थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बाहरी प्रांतों के सैलानियों को प्रवेश मिल रहा है। रामनगर के होटलों में 50% बुकिंग रद्द हो गई है। तो गेटों पर हो रही पर्यटकों थर्मल स्क्रीनिंग, सुरक्षा के सभी उपाय कर रहा है कॉर्बेट प्रशासन। वही खबर है, यह हल्द्वानी से बेदखली नोटिस लगाने का विरोध। तो इंदिरा नगर के लोगों की अधिकारियों के साथ नोकझोंक और नारेबाजी हुई। घरेलू सिलेंडर 10 रुपये सस्ता हो गया। तो रसोई गैस सिलेंडर के दाम 10 रुपये कम हो गए हैं। अब रसोई गैस सिलेंडर लेने पर आपको 829.50 रुपये देने होंगे। अस्पताल में मरीज को गोद में लेकर जा रहे तीमारदार। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में ओपनल कर्मियों की हड़ताल का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा है। वही खबर है, हल्द्वानी से जंगल की आग, हवा के झोंकों से बनी विकराल। तो भीषण आग से घिर गए हल्द्वानी के गांव आनंदपुर में सुबह से छाया रहा। तो के अस्पताल में बुलानी पड़ी पुलिस। तो सरकार की ओर से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोरोना टीका लगवाने के आदेश पर उप जिला अस्पताल में बृहस्पतिवार को भीड़ उमड़ गई। वही खबर है, चंपावत से 4.60 किलो चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। उपचुनाव के लिए दिया गया प्रशिक्षण। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए के निर्वाचन कार्य के लिए तैनात किए गए पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया।
पूर्णागिरी मेला तीसरे दिन भी मां के दरबार में भक्तों की कतार, तो उत्तर भारत के कोने कोने से पहुंचे 25,000 से ज़्यादा भक्तों ने दर्शन किए। वहीं खबर है झूलाघाट से अपहरण का आरोपी गिरफ्तार, तो नाबालिग का अपहरण कर लैंगिक अपराध के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पत्नी के उत्पीड़न में पति को 3 साल की सजा, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिल कुमार कोरी ने पत्नी के उत्पीड़न के आरोपी पति दिनेश चंद्र को 3 साल का कारावास और 2500 का जुर्माना लगाया है। तीसरे चौथे दिन मिल रहा पानी, तो लोहाघाट से खबर आई है समस्या सुलझाने के लिए लोहाघाट क्षेत्र में सोलर और बोर वाले 7 हेडपम्प लगेंगे। पिथौरागढ़ में रोज नहीं मिल पा रहा है पानी। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो आग से 74 एकड़ गेहूं की फसल जल गई। वही खबर आई है बाजपुर से पेपर मिल में आग से लाखों का नुकसान हुआ है। शराब की दुकान का विरोध, तो विरुद्धपुर से खबर आई है धरने पर बैठे लोग दुकान की दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं।